हम देखो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिए थे और पैरेलल बता दिए थे, ये तो बता दिए थे। अब उसके आगे देखो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल, है ना। तो फंडामेंटल आज बताते हैं कि कैसे करेंगे न्यूमेरिकल। सीरीज के लिए ध्यान रखना है कि सीरीज तभी बोलना है जब एक के बाद एक लगा रहेगा, और पैरेलल तब बोलना है जब टर्मिनल कॉमन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये ए और बी, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ए और बी के बीच में बैटरी लगा हुआ है। बिना बैटरी का इक्विवेलेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए बैटरी लगा हुआ है ए और बी। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, सबको हटाएंगे और उसके बदले एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यही मतलब। अब एग्जांपल दे दिया, ये चीज तुमको सिर्फ ध्यान रखना है कि सीरीज कब बोलना है, पैरेलल कब बोलना है। एक बार डायग्राम को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, तो ये दिख रहा है कि ये थ्री और ये थ्री जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, ये थ्री और ये थ्री किसमें है, सीरीज में है, क्योंकि यहां से अगर कोई चलेगा तो सब इसी में जाएगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, इसलिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। तो इस दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो थ्री और थ्री का सीरीज क्या हो जाएगा, सिक्स, तो कितना होगा, सिक्स। अब देखो ये सिक्स और ये सिक्स किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि टर्मिनल कॉमन है, इसका भी यहां पे जुटा हुआ है, इसका भी यहीं पे जुटा हुआ है, जबकि इसका दूसरा टर्मिनल यहां पे, इसका भी दूसरा टर्मिनल यहीं पे, तो टर्मिनल अगर कॉमन होगा तो ऐसे ही पैरेलल। और हम बताए थे कि अगर R और R दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होगा तो R by 2 होगा, तीन होगा तो R by 3 होगा, ऐसे करके। तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, तो 6 और 6 का पैरेलल हो जाएगा 3। फिर ये थ्री और ये थ्री किसमें हो जाएगा, तो यहां से अगर कोई जाएगा तो सब इसी में जाएगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये थ्री और ये थ्री किसमें हो गया, सीरीज में, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स। तो इसको हटा के कितना लिख देंगे, सिक्स। फिर ये सिक्स और ये सिक्स देख लो किसमें, तो इसका ये टर्मिनल यहां पे, इसका भी यहीं पे, इसका दूसरा टर्मिनल यहां पे, इसका भी दूसरा टर्मिनल यहीं पे, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 6 बाई 2 यानी 3 हो, R बाई 2 होता है, इसको हटा के कितना लिख देंगे, 3 हो। फिर ये 3 और ये 3 किस में हो जाएगा, देख लो यहां से अगर कोई जाएगा तो सब इसी में जाएगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, 3 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 6। तो इस दोनों को हटा के कितना लिख देंगे, 6। फिर ये 6 और ये 6 अब देख लो फिर से किसमें, तो टर्मिनल कॉमन है, इसका भी और इसका भी, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इन दोनों को हटा करके जो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे वो 3 ओम कर जाएगा, लगा दिए 3 ओम। अब ये 3 और ये 3 किसमें है, तो यहां से अगर कोई जाएगा तो सब इसी में जाएगा, 3 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 6। तो इस दोनों को हटा के कितना लिख देंगे, 6 ओम। फिर ये 6 और ये 6 किसमें हो जाएगा, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 3 ओम। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि सबको हटा करके जो एक रेजिस्टेंस लगाए वो 3 ओम है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, तुमको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सीरीज तब बोलना है जब सब में एक के बाद एक होगा, करंट सेम होगा। पैरेलल तब बोलना है जब टर्मिनल कॉमन होगा, बस नहीं जा रहा, जबरदस्ती नहीं बोलना। ये थ्री ये थ्री ये सिक्स ये थ्री ये सिक्स ऐसे दे दिए, इसको देखो एक बार। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ए और बी, इसका अंडरस्टूड है यहां पे बैटरी अटैच है,
ये अंडरस्टूड है। अगर बैटरी नहीं भी दिखाता है तो तुमको यहां पे ये दिया हुआ है कि ए से करंट एंटर कर रहा है और बी से एग्जिट हो रहा है, ये दिया हुआ है। इसका बैटरी ऑफ होगा तभी ना करंट एंटर कर रहा है एग्जिट कर रहा है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या बोले, साफ साफ दिखना चाहिए सीरीज चलता है, ये थ्री और ये थ्री सीरीज है, क्योंकि यहां से अगर कोई जाएगा सब इसमें जाएगा तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा सिक्स। फिर ये सिक्स और ये सिक्स किसमें है, पैरेलल टर्मिनल कॉमन है तो सिक्स और सिक्स का पैरेलल थ्री। फिर ये थ्री और ये थ्री किसमें हो जाएगा सीरीज में, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा सिक्स। फिर ये सिक्स और ये सिक्स किसमें है, पैरेलल में, तो सिक्स और सिक्स का पैरेलल थ्री। अब यहां के बाद ध्यान से देखना है, बोले बताओ तो ये थ्री और ये थ्री किसमें है, तो सीरीज में है या नहीं पहले चेक कर लेते हैं। यहां से अगर कोई चलता है तो क्या सभी लोग इसमें जाएंगे, नहीं, यहां से एक रास्ता इधर भी जा पाए, ये तो बैटरी लगा हुआ है। तीसरा ना ये सारे के सारे लोग इधर नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे जंक्शन इधर बटेगा। हम क्या बोले, सीरीज तुम तभी बोलना जब सब जाएगा, जितना करंट यहां से आ रहा सब इसमें जाना चाहिए, तो सीरीज तो नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन आता है पैरेलल। पैरेलल तब होता है जब टर्मिनल कॉमन होना चाहिए, दोनों एक ही जगह जुटा होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो देखो तो ये थ्री का एक टर्मिनल तो कॉमन है, लेकिन क्या है सर दूसरा टर्मिनल कॉमन है, देखो तो नहीं, बीच में ये सिक्स होगा तो पैरेलल तो नहीं, क्योंकि पैरेलल तब बोलते हैं जब दोनों टर्मिनल कॉमन होगा, तो छोड़ दो उसको। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सीरीज नहीं होगा तो पैरेलल होगा, पैरेलल नहीं होगा तो सीरीज नहीं होगा। इसका ये थ्री और ये थ्री किसी में नहीं है, ना सीरीज में है ना पैरेलल में। अब ये थ्री और ये थ्री छोड़ दो उसको, वहां पर ये थ्री और ये थ्री साफ साफ दिख रहा है ना सीरीज में, क्योंकि यहां से अगर कोई जाएगा सब इसी में जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, इसको हटा के लिख दिया सिक्स। अब ये सिक्स और ये सिक्स किसमें है, तो सिक्स और सिक्स साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में, तो सिक्स और सिक्स का पैरेलल कितना हो जाएगा थ्री। फिर ये थ्री और ये थ्री किसमें हो जाएगा, तो यहां से अगर कोई जाएगा सब इसी में जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा सिक्स। और अब यहां पे हमको दिख रहा है कि ये सिक्स और ये थ्री किसमें है, पैरेलल में। तो प्रीवियस क्लास में हम सिखाए हैं कि अगर दो पैरेलल रहेगा तो वो बच्चा मित्र नहीं कर रहा है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, डायरेक्ट अगर अलग अलग रहेगा तो आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, कितना रहेगा थ्री इंटू सिक्स बाय थ्री प्लस सिक्स इन 18 बाय 9 कितना होगा, तो थ्री और सिक्स का पैरेलल कितना हो जाएगा टू। इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना आ गया, यानी कंक्लूजन ये है कि तुमको साफ साफ दिखना चाहिए, जबरदस्ती नहीं बोलना है कि सीरीज है पैरेलल है, इस तरह से नहीं बोलना है, अंदाज नहीं लगाना है, दिखेगा तुमको साफ साफ। करा बताओ तो ए और बी के बीच में क्या होगा इंक्रीमेंट, इस बार ये इसका इधर से करंट एंटर कर रहा है इधर एग्जिट कर रहा है, ये और ये किसमें है अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम बोलोगे किसी में भी नहीं, क्योंकि सीरीज तब होता जब यहां से अगर करंट जाता सब इसी में जाता, लेकिन यहां पे रास्ता है इसलिए ये और ये सीरीज तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जहां पे सीरीज दिखे वहीं बोलना है। हां ये और ये अगर हमसे कोई पूछे कि ये आर और ये आर किसमें है, तो सीरीज में, क्योंकि यहां से अगर कोई जाएगा तो सब इसी में जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ये आर और ये आर दोनों को हटा देंगे और उसके बदले कितना लिख देंगे टू आर। अब ये टू आर और ये टू आर किसमें, तब क्या बोले ए के साथ आ रहा था आर और आर का कितना होता है, अगर आर और आर रहेगा तो कितना हो जाएगा आर बाई टू, तो टू आर और टू आर रहेगा कितना हो जाएगा टू आर बाई टू, आर, तो 2R और 2R का पैरेलल कितना हो गया R। अब ये R और ये R तीनों से मिले, तो यहां से अगर कोई जाता है सब इसमें जाएगा फिर सब इसमें जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, तीनों को हटा करके जो एक रेजिस्टेंस पुट करेंगे वो कितना हो गया 3R, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया
थ्री है ना, इस तरह से। तो तुमको यहां पे साफ साफ दिखेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, इस तरह से तुमको दिखते जाते। अब आता है कुछ एक क्वेश्चन जहां पर हमको दिखता ही नहीं है कि सीरीज है या पैरेलल है, छह तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें। जैसे अगर तुमसे ये पूछ दिया कि बताओ तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, तो तुम बोलोगे सीरीज में। अब यहां पे क्या कर दिया, इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया गया, कह रहा बताओ क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ध्यान देना, अगर तुमको ये पता नहीं चले कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, देखो घर में प्रैक्टिस करोगे तुम तभी हो पाएगा। तो कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में हमको ये पता ही नहीं चल रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहां जहां जंक्शन है वहां वहां 1 2 3 4 1 2 3 and 4। जैसे तुम किसी को फॉलो कर रहे हो, पीछा कर रहे हो किसी का, और आगे एक चौक है, अब वो किधर गया, इधर गया किधर गया कि सीधे गया, तो तुम क्या करो, एक आदमी को उस चौक पे खड़ा कर दो, तो क्या होगा, तुमको उसका पीछा करने में दिक्कत नहीं होगी, वो बता देगा किधर गया। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा, जहां जहां जंक्शन है वहां वहां 1 2 3 4 मेंशन कर दिया। ये अब हमको किसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले क्या करो, ए और बी को थोड़े दूर में, ए और बी को क्या कर दिया, थोड़े दूर में। ए मतलब कौन हो गया, मतलब ए मतलब ए और वन सेम पॉइंट पे है, ऐसे बी और फोर भी क्या है सेम पॉइंट पे, इसलिए जहां पर ए है वहीं पे वन लिखिए, जहां पे बी है वहीं पे फोर लिखिए। अब तुम्हारा काम क्या है कि जो डायरेक्ट होगा उसको पहले लिख करके निश्चिंत हो जाओ, है ना, तो तुमको सुविधा होगा। डायरेक्ट किसको बोलते हैं, जैसे अगर बोले कि ये अगर 12 वोल्ट है और यहां पे भी 12 वोल्ट है, इसका ये दोनों तो डायरेक्ट ही है, एक ही पॉइंट है, ए और बी तो एक ही जगह होगा, जितना पोटेंशियल ए का उतना ही पोटेंशियल क्या है बी का, क्योंकि डायरेक्ट है। अगर तुम्हारे घर के सामने से अगर तार जाता है तो तुम तार यहां लगाए, तुम्हारे घर में लाइट आ गई, कितना वोल्ट आया 220, अगर तुम तार यहां पर भी लगाओगे तो वह भी 220 ही ना आएगा, क्योंकि वही तार क्या होगा सेम पोटेंशियल, तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये पक्का है कि जितना पोटेंशियल 1 पे होगा उतना ही पोटेंशियल कितना पे होगा 3 पे होगा, 1 और 3 एक ही चीज है, तो जहां पर 1 लिखे हो वहां पर 3 लिख दो, और जहां पर 4 लिखे हो वहां पर 2 लिख दो। रिपीट कर क्या बोले कि अगर तुमको पता नहीं चले कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो तुम क्या करो, जहां जहां जंक्शन है वहां पे 1 2 3 4 बना दो, उसका ए और बी के बीच में निकालना, ए और बी तो दिया जाएगा, तो ए और बी को थोड़े दूर पे बना दो, ए हो गया तुम्हारा 1, बी हो गया 4। एक बार चेक कर लो डायरेक्ट कौन है, क्या 1 से 4 डायरेक्ट है, तो 1 से 3 डायरेक्ट है, तो इसको लिखिए, 1 से 2 डायरेक्ट नहीं है, बीच वाला रेजिस्टेंस है, ऐसे बन इस कॉर्नर से नीचे चलो, क्या 4 से 3 डायरेक्ट है, नहीं 4 से 2 लेके डायरेक्ट है, इसलिए 4 और 2 है। अब इसके बाद स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना मतलब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेंगे, जो जो मिलेगा सबको लिखते हुए जाएंगे। तो 1 से कौन है, 1 से 2 है और 1 से 3 भी है, लेकिन 1 से 3 तो डायरेक्ट इसको ले चुके हैं, टिक कर दिया, ले चुके, कंसीडर कर चुके हैं। 1 से और कौन है, 2, तो 1 यहां पे है लेकिन 2 देखो पहले से लिखा हुआ, इसे दोबारा नहीं लिखना है, तो 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, टिक कर दिया। अब कहां पहुंच गए, 2 पे, 2 से कौन कौन है, 2 से 3 है और 2 से 4 है, 2 से 4 डायरेक्ट है, हम कंसीडर कर चुके हैं, 2 से और कौन है, 3 है, देखो 2 यहां पे, ऐसा नहीं खोज के 2 को जोड़ रहा है, ऐसा नहीं, ये सारा पॉइंट बी है, 4 है, 2 है। अब 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, देखो 2 यहां पे लिखा हुआ और 3 भी पहले से लिखा हुआ, तो 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस अटैच है, खुला नहीं छोड़ेंगे। अब कहां पहुंच गए, 3 पे, 3 से कौन है, 4, तो 3 यहां पे लिखा हुआ है, 4 यहां पे लिखा हुआ है, 3 और 4 के बीच में अटैच है।
टिक कर दो इसको। अब तो साफ साफ दिख रहा है कौन है, सब ले भी चुके हैं। आर 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 कितना हो गया आंसर, आर बाई थ्री, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई थ्री हो जाएगा। हम इसको दोबारा समझाते हैं, देखो तुमको प्रैक्टिस करना होगा है ना, और जब क्लास आओगे तब तो प्रैक्टिस करवाएंगे है ना, होमवर्क भी देंगे, सब चीज करेंगे। बहुत सारा चीज ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, चलो ए और बी के बीच में निकालना है। हम क्या बोले, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। क्या बोले, जहां जहां जंक्शन है वहां वहां वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, उसके बाद क्या करो ए और बी को थोड़ी दूर बुला दो, ए हो गया तुम्हारा वन, बी हो गया तुम्हारा फोर, हो गया। उसके बाद क्या बोले, जो डायरेक्ट है उसको लिखना है कोशिश करो, वन से टू डायरेक्ट नहीं है, वन से थ्री लेकिन डायरेक्ट है इसे लिख दिया, फोर से थ्री डायरेक्ट नहीं है लेकिन फोर से टू डायरेक्ट है, इसलिए फोर और टू को एक चीज लिख। अब स्टार्ट करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेंगे, जो जो मिलेगा सबको लिखते जाए, वन से टू भी है और वन से थ्री भी है, लेकिन वन से थ्री हम कंसिडर कर चुके हैं, टिक कर दिए। टिक इसलिए करते हैं ताकि दोबारा नहीं लिखा है, वन से और कौन है, टू है, वन यहाँ पे लिखा हुआ है, टू यहाँ पे लिखा हुआ है, अटैच कर दिए। अब कहां पहुंच गए, टू पे, टू से थ्री है और टू से फोर है, टू से थ्री, टू यहां पे लिखा हुआ है, थ्री यहां पे लिखा हुआ है, अटैच कर दो रेजिस्टेंस। टू से फोर हम लोग पहले ही कर चुके हैं, थ्री से फोर अंतिम, थ्री यहां पे देखो लिखा हुआ है, फोर यहां पे लिखा हुआ है, थ्री से फोर हो गया। देखो तीनों रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया, कोई छोटा नहीं है, ये ए ये बी, ये एरो इसलिए बनाते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ इसके बीच में निकालना, करंट इधर से एंटर करा इधर से। अब तो तीनों साफ साफ सबको दिख रहा है किसमें है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, आर बाय थ्री, ये इसका आंसर। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तब क्या बोले, अगर हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो सबसे अच्छा तरीका है जहां जहां जंक्शन है वहां 1 2 3 4 कहीं भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6 देख लो, हर जंक्शन बनाएंगे ए और बी के बीच में निकालेंगे। क्या बोले, कोई भी क्वेश्चन देगा सबसे पहले ए और बी को बनाओ थोड़ी दूर पे, थोड़ी दूर इसलिए क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस बनाना होता है, ए मतलब वन, ए और वन एक ही जगह पे, बी मतलब फाइव, बी और फाइव एक ही जगह। अब स्टार्ट करते हैं, क्या वन से, हम क्या बोले वन से एक बार चेक कर लो कि क्या कोई डायरेक्ट है या नहीं, वन से फोर नहीं डायरेक्ट, इधर भी डायरेक्ट नहीं है, इधर भी डायरेक्ट नहीं है, इधर भी डायरेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं, एक बार इससे भी चेक कर लेते, फाइव से है क्या कोई डायरेक्ट, फाइव से सिक्स डायरेक्ट है जो बीच में कोई रेजिस्टेंस, इसलिए जहां पर 5 होगा वहीं पर 6 होगा, 6 और 2 के बीच में देख लो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए जहां पर 6 होगा वहीं पर 2 होगा, 2 और 3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए जहां पर 2 होगा वहीं पर 3 भी होगा, 3 और 4 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, जहां पर 3 होगा वहीं पर 4 होगा, तो 5 6 2 3 4 सब डायरेक्ट है ना। अब स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से कौन कौन है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, 1 से 4 है और 1 से 6 है। देखो यहां पर 1 लिखा हुआ है, 2 यहां पर लिखा हुआ है, ये सब तो एक ही पॉइंट है, तो 1 से 2 अटैच कर लेंगे इसे। और कौन हो गया 1 से 3, देखो यहां पर 1 है यहां पर 3 है, 1 से 3 के बीच में इसे अटैच कर दिए। 1 से 4 टिक जरूर कर देना, 1 यहां पर 4 देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं। 1 से 6, 1 यहां पे देखो 6 भी लिखा हुआ, और ये अच्छा समझ, इधर से करंट आ रहा है इधर से जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब ये चारों रेजिस्टेंस किस में दिख रहा है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R by 4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल R by 4 है ना। इस तरह से हम लोग अगर पता नहीं चलता है तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, तुम 1, 2, 3, 4 ज्यादा प्ले दोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। कर रहा है ए से करंट एंटर कर रहा है बी से, इधर सटावा नहीं है इसमें, तो कॉन्सेप्ट एक ही है चाहे कोई भी क्वेश्चन है। ए और बी को बनाए थोड़ी देर पर, ए कौन हो गया 1 लिख दो 1, बी कौन हो गया 5 लिख दो 5। क्या 1 से कोई डायरेक्ट है? नहीं, 1 से कोई डायरेक्ट नहीं, 5 से डायरेक्ट है, हाँ 5 और 6 एक ही जगह है लिख दिया 6, 6 और 3 भी एक ही जगह लिख दिए 3, 3 और 4 भी एक ही जगह लिख दिए 4, तो 5, 6, 3, 4 सब एक जगह। अब स्टार्ट करते, डायरेक्ट वाला काम खत्म हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 से कौन कौन है? 1 से मात्र एक है 2, तो 1 से 2, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं पहले से, इस बार देखो गौर करो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो तुमको लिखना होगा, तो किसका मतलब हर बार थोड़ी लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, तो 1 से 2 लिख के बीच में, बीच में इसमें लिखे क्या से भाग नहीं लिखना, ये अलग पॉइंट है, तो 1 से 2, 2 चूंकि लिखा हुआ है इसलिए हमने 1 से लिखे, ओके 1 से 2। अब कहां पहुंच गए हो तुम? 2 पे, 2 से कौन है 3 है, 2 से कौन है 4 है, 2 से कौन है 6 है, अब लिखा हुआ देखो 2 यहां पे 3, तो दोबारा नहीं लिखना है, 2 से 3 कितना हो गया 8, 2 से 4, 2 यहां पे है 4 यहां पे कितना हो गया 8, 2 से और कौन है 6, 2 यहां पे है 6 यहां पे कितना है 8 हो गया। देखो सब रेजिस्टेंस ठीक हो गया कि नहीं, कोई नहीं चुका, और इसको बढ़िया से बनाओ ए और बी। अब देखो तो ये हो गया आर, और ये तीनों रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है साफ साफ पैरेलल में, तो कितना हो गया आर बाई 3। अब ये आर और ये आर बाई 3 सबको दिख रहा होगा सीरीज में, तो आर प्लस आर बाई 3 दोनों का ऐड करते हैं, तो आर प्लस आर बाई 3 कितना हो जाएगा 4 आर बाई 3, 3 एलसीएम हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 आर बाय 3। इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। अब आएगा इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे विट स्टोन ब्रिज, है ना। वैसे कई सारा प्रॉब्लम जनरेट होता है, कई तरह का होगा, है ना, लेकिन हम लोग अभी एक बार रफली पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। एक जब तक तुम ऑफलाइन में आओगे, यानी जब तुम रेगुलर क्लास करना स्टार्ट करोगे, तब तक तुमको बहुत सारा चीज का आइडिया हो जाएगा, है ना। और जब फिर से दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा तो सब चीज को पढ़ाना है ना, तो क्या है ना कि तुमको समझ में भी ज्यादा है ना ये चीज, तो ये पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करना होगा तुमको, है ना। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये तो वैसे एक्सेल वाला क्वेश्चन है, तो तुम एंकरिंग का बुक है ही सबके पास, तुम उसमें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस करके चैप्टर है, तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस चैप्टर से 1 to 63 तक तुम बना सकते हो, है ना, 1 to 63 तुम बना सकते हो, जितना मैक्सिमम तो बन ही जाएगा, जो नहीं बनेगा वो बाद में हम लोग देख लेंगे और लाइव क्लास में कर लेंगे या ऑफलाइन जब करेंगे तो करेंगे, है ना, अभी तुम कर सकते हो, ठीक है, ओके।